फिल्म बाहुबली और आरआरआर के साथ एसएस राजामौली पैन इंडिया फिल्मों का जबरदस्त चलन ले आए हैं, जिसने सभी भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री के बीच की लाइन काफी धुंधली सी कर दी है। खासकर साउथ के सिनेमा की पॉपुलैरिटी में गजब का इजाफा हुआ है, लिहाजा कई बॉलीवुड कलाकार अब साउथ सिनेमा में और कई साउथ के कलाकार हिंदी सिनेमा में भी नजर आ रहे हैं और बहुत से एक्टर्स अपने डेब्यू की धमाकेदार तैयारी में भी हैं। ऐसे में जब सुपरस्टार महेश बाबू से बॉलीवुड में डेब्यू करने को लेकर सवाल किया गया तो अभिनेता ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे हिंदी फिल्में करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तेलुगु फिल्में कर सकता हूं और यह पूरी दुनिया में देखी जाएगी। महेश बाबू फिलहाल फिल्म सरकारू वारी पाटा में दिखाई देंगे। इस फिल्म का निर्देशन परशुराम पेटला ने किया है और यह फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पिछले दिनों उनके हॉलीवुड फिल्म करने की भी चर्चा थी, जिस पर सुपरस्टार ने विराम लगाते हुए कहा कि मैं किसी भी हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानता हूं और ना ही मैं किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। बता दें, महेश बाबू की अगली फिल्म एसएस राजामौली के साथ होगी। फिलहाल इस पर ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन महेश बाबू ने कहा कि मैं राजामौली सर के साथ फिल्म करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं।